नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें को एक साथ समेटे खबरें दिन भर में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। दरभंगा जिला प्रशासन एवं नगर निगम की ओर से MLSM कॉलेज परिसर में गरीब एवं असहाय लोगों के बीच खाने पीने का किया गया व्यवस्था। दरभंगा NSUI प्रदेश सचिव एवं जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में शहर के विभिन्न मोहल्लों में कोरोना वायरस के बचाव हेतु बांटा गया सामग्री, साथ ही लोगों को किया गया जागरूक। दरभंगा वार्ड संख्या 29 के पूर्व पार्षद की ओर से अपने निजी खर्च पर लोगों के घर घर जाकर लगभग 300 परिवार के बीच खाने का किया गया वितरण। दरभंगा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर देखने को मिला लॉकडाउन का पूर्ण असर। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात। अब देखिए दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। वहीं दरभंगा शहर के MLSM कॉलेज परिसर में कोरोना वायरस संक्रमण जैसे जानलेवा बीमारियों एवं लॉकडाउन में फंसे लोगों को जिला प्रशासन एवं नगर निगम की ओर से खाना मुहैया कराया गया, जहां गरीब एवं बेबस लोगों के लिए खाने का उचित प्रबंध किया गया। साथ ही बेड लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को रहने का भी व्यवस्था किया गया। देखिए हमारे संवाददाता राजू सिंह का MLSM कॉलेज परिसर से ये रिपोर्ट। कटिहार जा रहे थे, जयनगर तक में जा रहे थे, यहाँ गाड़ी तो बंद हो गया कोरोना के पेपर में, इसलिए तो मैं यहाँ से अब रिटर्न हो जाऊँगी। गाड़ी जब खुल गया तो सरकार ने हमको बोला, ये सब बोला पार्वत प्रशासन को बोला है, चलो पर मिल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम है संतोष। खाना पीना सर 11 बजे यहाँ बन के वहाँ आदर्श मध्य विद्यालय से आ जाता है, हम लोग उसको सबको टेबल कुर्सी लगाए हुए उसमें बैठा लेते हैं, खिला देते हैं। और भी जैसे जितने आदमी यहाँ है वो तो है ही, और बाकी आजू बाजू के जैसे हसन चौक के एक परिवार आए हुए थे, करलवाड़ी से आए हुए थे, तो आते यहाँ खाना खा लेते तो फिर चले जाते हैं रात में। फिर शाम में खाना 7 बजे यहाँ आ जाता है, वो खिला उला के रेडी कर देते हैं। यहाँ पर लगभग 40 से 45 आदमी खाना सर यहाँ पर चलता है। मोहम्मद तनवीर खाना MLS कॉलेज वार्ड नंबर 13। दिवाकालीन सह छात्रावास युक्त दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा 2006 से निरंतर मिथिलांचल की हृदय स्थली में स्थापित दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा नवीनतम तकनीकों एवं उपेक्षित मानव मूल्यों से युक्त संस्कारवान शिक्षा के प्रतिबद्ध आप लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने में सक्षम है। हम अपने छात्रों को पूर्ण व्यक्तित्व विकास और यथा योग्य मंच हासिल करने में सहयोग कर सके। हमारी सुविधाएं दक्ष एवं कुशल विभिन्न प्रांतों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, दरभंगा राज परिवार की समीपत से उत्पन्न शांत एवं प्रदूषण रहित वातावरण, 2011-12 से स्मार्ट क्लासेस का उद्यम प्रयोग, भौतिक रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान की प्रयोगशालाएं, सह प्रयोग प्रवेक्षक, छात्र छात्राओं की हीन ग्रंथियों एवं सशक्त स्वास्थ्य निर्माण में उपयोगी मार्शल आर्ट एवं कराटे टाइकांडो का उम्दा प्रशिक्षण, विद्यालय परिसर की भाषा इंग्लिश, हम चांद दिखाते नहीं रास्ता बताते हैं, वातानुकूलित छात्रावास, एक बार आकर स्कूल को देखें और हमें सेवा करने का मौका जरूर दें। NSUI प्रदेश सचिव सदाब अख्तर के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के उपस्थिति में दरभंगा शहर के विभिन्न मोहल्लों में कोरोना वायरस जैसे संक्रमण बीमारी से सुरक्षित रहने हेतु मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, सेवलॉन, हैंडवाश, लाइफ बॉय, साबुन जैसे सामग्री का वितरण घरों में जाकर किया गया। वहीं लोगों को कोरोना वायरस से सुरक्षित कैसे रहे इसके बारे में भी जागरूक करने का काम किया गया। क्या आप महंगी एवं केमिकल रहित सर्फ उपयोग करके परेशान हो गए हैं? आपका सर्फ कहीं आपके लिए या आपके कपड़े के लिए हानिकारक तो नहीं है, या फिर आप अपने मशीन और घरेलू उपयोग में अलग अलग सर्फ का उपयोग करते हैं? इन सभी बातों पर गहरा शोध करने के बाद आपके बीच पेश है भेलोकैम डिटर्जेंट पाउडर, जो कि 125 ग्राम, 500 ग्राम एवं 1 केजी के पैक में मौजूद है। इसके अलावा भेलोकॉम टॉयलेट क्लीनर, कमला दर्शन अगरबत्ती 3 फ्लेवर के साथ साथ देव डिटर्जेंट केक, देव डिस्क बार एवं भेलोकैम फिनाइल मौजूद है। एक बार आप उपयोग में जरूर लाएं और हमें सेवा का मौका दें।
इसके अलावा हमें डिस्ट्रीब्यूटर एवं स्टॉकिस्ट की आवश्यकता बिहार एवं झारखंड के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9708567445 पर संपर्क करें। लगातार जनसेवा करने के बीच शनिवार को एक बार फिर जरूरतमंद लोगों के बीच खाने का वितरण किया गया, जिसमें वार्ड 29 के पूर्व पार्षद की ओर से अपने निजी खर्च पर लोगों के घर घर जाकर खाने के पैकेट का वितरण किया गया। लगभग 300 परिवारों को खाने के पैकेट जो कि तैयार थे उन्हें उपलब्ध कराया गया। डॉक्टर अब्बू सलाम खान उर्फ मुन्ना खान ने बताया कि आगे भी प्रयास जारी रहेगा। इस तरह के कामों को सरकार को प्राथमिकता देते हुए संक्रमण से पहले भूख से कहीं लोगों की मृत्यु ना हो जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं कुछ सामाजिक लोगों को अपने निजी खर्च से खाने पीने एवं मास्क सैनिटाइजर एवं अन्य महत्वपूर्ण काम पर विपदा की घड़ी में काम करना चाहिए। सबसे अच्छी बात ये रही कि खाना वितरण करने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण ख्याल रखा गया। डिसेंट सनशाइन एकेडमी, ए यूनिट ऑफ द रुद्रा फाउंडेशन, क्लासेस PG-8, रजमान चौक से पश्चिम, धीरामपुर, दरभंगा, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24/7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री। केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा पूरे देश भर में कोरोना वायरस जैसे जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु लॉकडाउन का आह्वान किया गया है। वहीं दरभंगा शहर के सड़कों पर लॉकडाउन का पूरा असर देखने को मिला, जहां सड़क पर चप्पे चप्पे पुलिस नजर आए। पुलिस ने अपने माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए कहीं कान पकड़ के उठक बैठक करवाया तो कहीं डंडा चलाने का भी काम किया। वहीं पुलिस ने विभिन्न लोगों से आने जाने के माध्यम पर पूछताछ भी की और अपने तरफ से संतुष्ट होने के बाद ही लोगों को जाने की इजाज़त दी। वहीं हमारे चैनल के माध्यम से भी आप लोगों से आह्वान है कि अति आवश्यक कार्य पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकले, अन्यथा आप अपने घर परिवार के साथ रहें, तभी आप सुरक्षित हैं। देखिए दरभंगा से हमारा संवाददाता राजू सिंह का ये रिपोर्ट।
कोरोना वायरस के लेकर के सुरक्षा की जा रही है कि लोग बेवजह रास्ते पर नहीं घूमें, अपने घर में रहें। जरूरी का चीज़ जैसे कि दवा है उसका पुर्जा या दवा लेकर मैंने दवा के दुकान पर जा सकता है, और साफ सुथरा रहे, मास्क लगावे, हेलमेट लगा करके चले। मेरा नाम कुंवनी जोगेंद्र मांझी, टाउन थाना से। वायरस एक संक्रमक बीमारी है, इसी को मतलब फैलने के लिए यहाँ पे अनावश्यक बाहर ना निकलने के लिए लोगों को बोला जा रहा है, और बेवजह घर से बाहर ना निकले, सबके कारण मतलब कि सुरक्षा को लेकर हम लोग खड़े हैं, ताकि है ना लोग बेवजह घर से बाहर ना निकले। फल साग सब्जी ये जरूरी की चीज़ें खुली रहे, वो भी लिमिट टाइम के लिए खुली रहे। कोई भी दुकानदार अगर वो दुकान भी खोलते हैं तो वो अपने दुकान के चारों बगल घेरा लगाए, ताकि है ना पब्लिक भी 2 मीटर की दूरी पे डिस्टेंस पे खड़ा रहे, ये डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। लक्ष्मी कुमार, अभी PSI। अरे जगरूकता तो किया जा रहा है, लेकिन लोग इमरजेंसी में लोग निकल रहा है, हम लोग देख रहे हैं सब उसका। हम दवाई का चेक करते हैं, दवाई का पेपर चेक करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। सारा लोग इमरजेंसी है, अपना अपना बताता है कि हम इमरजेंसी से जा रहे हैं। हमारा विनोद कुमार सिंह नाम है, यातायात थाना। दरभंगा में पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। वीरेंद्र कुमार, कोतवाली वकील। दरभंगा जिला की तमाम खबरें को एक साथ समेटे कल रात फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।